हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है बीआरएस का, जिसमें हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस अप कर रहे हैं कैश बुक का। बहुत इजी ट्रिक्स होती हैं, एक बार कंसेप्ट समझ लो सारे क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ स्क्रीन पर। फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ बैंक पासबुक ऑफ अमृत एज ऑन 31 मार्च। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया है एज पर कैश बुक। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2025, 1600 एंटर्ड इन द बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस 300 डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एज ऑन 31 मार्च वर 11,680। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। सिक्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन बैंक पासबुक। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय 1,000। तो सबसे पहले, जब भी हमने हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब भी आप बीआरएस का क्वेश्चन बनाओ, सबसे पहले आपको बैलेंस चेक करना है कि पॉजिटिव वाले कॉलम से स्टार्ट करना है या फिर माइनस। अब जो ये वाला क्वेश्चन अगर आप बुक में देखोगे ना, और बाकी क्वेश्चन जैसे लास्ट इलस्ट्रेशन और ये वाला इलस्ट्रेशन, दोनों में आपका डिफरेंट कंसेप्ट से किया है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से कर रहे हैं। हम एक प्लस वाला कॉलम बनाते हैं और एक माइनस वाला कॉलम बनाते हैं। बैलेंस आपको एक आपको याद करना है, दोनों बुक्स का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस होते हैं। कैश बुक का भी पॉजिटिव बैलेंस होता है और नेगेटिव होता है, इसका भी पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। सिर्फ फर्स्ट वाला आप पॉजिटिव कैश बुक का ध्यान रख लो, बाकी सारे अपोजिट होते हैं। कैश बुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अब पासबुक इसका जस्ट अपोजिट होती है। अगर इसका डेबिट पॉजिटिव है तो इसका कौन सा पॉजिटिव होगा? क्रेडिट पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब इसका नेगेटिव, जो दोनों के नेगेटिव होते हैं वो ओवरड्राफ्ट होते हैं। कौन से होते हैं? ओवरड्राफ्ट। अब इसका नेगेटिव, अगर इसका पॉजिटिव डेबिट है कैश बुक का, तो उसी सेम कैश बुक का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? क्रेडिट। और इसका डेबिट, बस एक आपको याद रखना है। नेगेटिव वाले क्या होते हैं? ओवरड्राफ्ट होते हैं। अब इन्होंने क्या बोला? बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट नेगेटिव वाला, तो हम नेगेटिव वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। कितना है? 63,400। अब आपकी बुक में इन्होंने पॉजिटिव से स्टार्ट किया और सब चीजों को उल्टा किया, लेकिन नहीं, आपको सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से करने हैं, आंसर सेम आता है। अब हमें क्या करना है? इस साइड एक कैश बुक और पासबुक ऐसे बनानी है। अब बैलेंस किसका दिया है? जिसका बैलेंस दिया है उस पे ऐसे बैलेंस लिख लो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, बैलेंस लिख लो। और दूसरे वाले के ऊपर ऐसे सर्कल लगाओ और ऐसे टिक लगाओ, मतलब जिसका बैलेंस दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, हमने जिससे स्टार्ट किया, दूसरे वाली बुक का जितना टोटल होगा हमें सेम टोटल मैच करना होता है, बिल्कुल इक्वल लाना होता है। इतनी सी चीज आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, बैलेंस हमने लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब देखो, ओवरड्राफ्ट जब माइनस होता है तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा? माइनस ही होगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो इसका मतलब पासबुक में इसके रिकॉर्डिंग हो गई है। और ओवरड्राफ्ट अगर माइनस होता है तो इसका इंटरेस्ट भी क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ पर टिक लगा है, इसका टोटल कितना है? 1600। जिस बुक में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग नहीं होती है वहां पर इसका मतलब जीरो टोटल है। क्या है? जीरो। अब मैंने टिक किस पे लगाया? पासबुक पे। तो जितना यहाँ पे टोटल है मुझे भी सेम टोटल करना है। यहाँ पे माइनस 1600 है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? माइनस 1600 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा? इस वाले कॉलम में जाएगा। बस ऐसे ही आपको हर इक्वेशन में करके देखना है। तो सारे चैप्टर्स एक ही बेस पे है, बेस एक ही है, आप आंसर इजिली निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस भी क्या होता है? हमें पे करने होते हैं बैंक में, वो भी कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है तो जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रखे हैं? बैंक चार्जेस पे हो गया। अब यहाँ पे माइनस हो रखे हैं तो मुझे तो इस पे टिक लगा है, तो मुझे सेम टोटल करना है। यहाँ पे माइनस है तो मैं भी क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। तो ये भी कहाँ जाएगा? इस वाले कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट देखो, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है बैंक में,
और क्लियर का भी मतलब होता है बैंक में, यहाँ पर नहीं हुआ है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, जहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ इसका मतलब पासबुक में यहाँ पर क्या है, जीरो है। अब इशू का मतलब क्या होता है, पैसा चला जाना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, अब यहाँ पे क्या है, जीरो है। मैंने टिक कहाँ पे लगाया, इस पे लगाया, इसका जो टोटल होगा मुझे सेम करना है, यहाँ पे कितना टोटल है, जीरो टोटल है, तो मुझे भी इसको क्या करना पड़ेगा, सेम जीरो करने के लिए, अगर मुझे किसी अमाउंट को जीरो करना होता है तो सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, तो ये कहाँ जाएगा, प्लस वाले कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड हो, नॉट क्लियर हो, तो वो कहता है कि पासबुक की बात कर रहा है वो। अब आपने क्या बोला, चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब प्लस, आपने प्लस करने के लिए भेजा, लेकिन नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड, नॉट नॉट प्रेजेंटेड, पासबुक में इसका मतलब क्या है, जीरो है, पासबुक में जीरो है, इसका मतलब दूसरे बुक में क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस हो गया, अब इसका टोटल क्या है, जीरो है, टिक कहाँ लगा है, पासबुक में, तो इधर टोटल जीरो है, तो मुझे भी इसको सेम क्या करना है, जीरो करना है, अगर किसी अमाउंट को जीरो करना है तो सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा, तो ये कौन से कॉलम में जाएगा, माइनस वाले कॉलम में जाएगा। आपकी बुक में ये जस्ट अपोजिट क्यों है, लेकिन आपको सेम ऐसी कॉन्सेप्ट से करना है, क्योंकि जस्ट आपका लास्ट इलस्ट्रेशन इसी मेथड से किया है, तो हम एक ही मेथड फॉलो करेंगे, हर क्वेश्चन का जरूरी नहीं है कि आपको सेम बुक वाला मेथड फॉलो करना है, बुक में फोर मेथड्स उन्होंने फॉलो किए, लेकिन आप एक ही मेथड से करोगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जैसे माइनस होता था ना, ऐसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्लस होता है, क्रेडिटेड बाय बैंक पासबुक, वो क्या कह रहे हैं, बैंक पासबुक का क्रेडिट, अब पासबुक का क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, पासबुक का मतलब बैंक, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्लस हो गए हैं, अब यहाँ पर कुछ भी इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब नो, अपोजिट वाले में जीरो है, कुछ नहीं बोला, तो यहाँ जीरो टोटल, अब टिक कहाँ पे लगा है, पासबुक में, अब यहाँ प्लस है तो मैं भी सेम क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी, सेम करना है मुझे, दोनों का टोटल इक्वल करना होता है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छी एंट्री है ये, अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली, ये मोस्टली बच्चों को नहीं आती है। देखो जब भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब भी अंडरकास्ट या फिर ओवरकास्ट हो, तो जिस बुक में अंडरकास्ट या ओवरकास्ट बोलता है, जैसे किस में बोला, कैश बुक में, क्या बोल रहा है वो, कैश बुक में अंडरकास्ट है, तो कैश बुक में ऐसे एरो लगाओ और इस साइड में अपोजिट लगा दो, जिस बुक में अंडरकास्ट बोला है उसकी तरफ डाउन की तरफ, और जिस बुक में उस अपोजिट वाले में अपर की ओर कर दो, अब इसमें अंडर कास्ट है 1000, तो जिस बुक में बोला है उसमें एक रैंडमली अमाउंट ले लो अपनी मर्जी से कोई भी, जैसे मैंने 5000 ले लिया, क्या ले लिया, 5000, अब इसमें आपको चेक करना है कि वो प्लस का होगा या फिर माइनस का, अब क्रेडिट साइड कैश बुक की क्या होती है, कैश बुक की क्रेडिट क्या होती है, माइनस होती है, तो एक माइनस का मैंने रैंडमली ले लिया, तो दूसरी साइड आप क्या करोगे, जितना अमाउंट उसने बोला है 1000 बोला है ना, तो दूसरी साइड में आप क्या करो, जस्ट ओवर है ना, तो उसमें क्या करो, 1000 एक्स्ट्रा कर दो, जिस बुक में आपने, आपको बोला है, दोबारा सुन लो, जिस बुक में उन्होंने बोला है अंडरकास्ट, वजह से बोला, अभी हम अंडरकास्ट है तो अंडरकास्ट का ही कंसेप्ट करेंगे, जिस बुक में बोला, कैश बुक में बोला, उसमें डाउन की ओर कर दो और दूसरी वाली में अपोजिट कर दो, अब जितना भी एक बोला है, एक रैंडमली अपनी मर्जी से कोई भी एक अमाउंट ले लेना, दूसरा एक अमाउंट लेके करना, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका सही आया या फिर नहीं आया, मैंने एक रैंडमली 5000 ले लिया, अब क्रेडिट साइड देखो कि क्या होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, क्रेडिट साइड क्या थी, नेगेटिव थी, तो मैंने नेगेटिव किया, दूसरी वाली बुक में बस उतना ही अमाउंट एक एक्स्ट्रा डाल दू, 6000, अब बस इतना सा इजी, टिक क्या है, पासबुक का टोटल है, इसका टोटल क्या है, -6000, इसका टोटल क्या है, -5, तो मुझे तो इसके जैसा टोटल करना है, तो इसका टोटल अगर करोगे तो सेम क्या करना है मुझे, -6000, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम -1000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों टोटल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये 1000 कहाँ जाएगा, इधर वाले को, तो जब भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट आए तो आपको ऐसे करके देखना है, बस सारी इक्वेशंस हो गई है, तो अब हम टोटल करेंगे, अब देखो टोटल, टोटल देखो किस साइड है,
जिस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल ज्यादा। देखो एक चीज ये भी होती है, जहां से आप शुरू करते हो ना स्टार्टिंग वाला बैलेंस, उसी कॉलम का टोटल हमेशा ज्यादा होता है। अब मैंने माइनस वाले से स्टार्ट किया था तो इधर का ही टोटल ज्यादा होगा। इधर का टोटल मैंने किया तो मेरा टोटल जो आ रहा है वो 88,000 आ रहा है। तो इस साइड का भी मैं क्या कर दूंगी, 88,000 कर दूंगी। 88,000 में से ये और ये दोनों माइनस कर दो तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 64,320 आ रहा है। अपोजिट बैलेंस आएगा, क्या था, ओवरड्राफ्ट कैशबुक का था। तो ऐसे ही आपका आंसर क्या आएगा, जैसे ये ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट, तो अपोजिट आएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो बस सारी इक्वेशन हमने कर ली। अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं होता है कि प्लस माइनस क्यों हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।